बगैर क्लियरेंस के एक सांसद देश छोड़ के चला गया। अरे सीधे सीधे बोलिए ना, बीजेपी ने भगाया, बगैर परमिशन के एक सांसद भाग गया। आप कैसी बात कर रहे हैं? किसी भी सांसद को पॉलिटिकल क्लियरेंस लेना ही होता है। मैं भी सांसद हूं, मुझे भी कहीं देश छोड़ के जाना होगा, मुझे उसकी पॉलिटिकल क्लियरेंस चाहिए होती है सरकार से। बगैर क्लियरेंस के एक सांसद देश छोड़ के चला गया, इस बात पे कोई यकीन करेगा? अरे सीधे सीधे बोलिए ना, बीजेपी ने भगाया, बीजेपी की केंद्र में सरकार है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी होती है, बगैर परमिशन के एक सांसद भाग गया। वो मौजूदा सांसद है, कोई पूर्व सांसद तो है नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, और ये गृहमंत्री जी ने गलत बोला आप लोगों के सामने कि उसकी जानकारी इसको थी, उसको थी, इसको थी। सबसे पहली जानकारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवराज गौड़ा को थी, और वो देवराजे गौड़ा बीजेपी के विधायक, उनको तब ये बात पता चल गई जब बीजेपी की सरकार थी वहां पे। ये गलत बातें बताई जाती हैं आप लोगों को। अरे 5 साल से उसका घिनौना और गंदा खेल चल रहा है, एक दिन का मामला नहीं। बीजेपी की सरकार उस समय थी जब ये पूरा मामला सामने आया है, और सब कुछ आप छोड़ दिए। उस विधायक ने, देवराजे गौड़ा ने अपने स्टेट प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी कि दरिंदा है ये, इसने तमाम महिलाओं का यौन शोषण किया है, बलात्कार किया है, दरिंदगी की है, इससे पार्टी की छवि खराब होगी। और मोदी जी कह रहे हैं ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रमन्ना, इसको मजबूत कीजिए हम मजबूत होंगे, यही तो बोला है, उनका वीडियो है देख लीजिए। तो भारत के प्रधानमंत्री को, भारत की सरकार को, भारत के गृहमंत्री को, बीजेपी की तत्कालीन सरकार को, यानी कि इसके पूर्ववर्ती सरकार को, सारा कुछ मामला कच्चा चिट्ठा इस व्यक्ति के बारे में पता था, और सब कुछ छोड़ दिया। जून में तो ये कोर्ट में गया है, 1 जून को ये प्रज्वल रमन्ना कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से स्टे लेके आया है कि हमारे अश्लील वीडियो मार्केट में घूम रहे हैं, इस पर रोक लगाई जाए। क्या तब भी पता नहीं था प्रधानमंत्री को या उनकी पार्टी को कि ये प्रज्वल रमन्ना कौन है? भाई 1 जून को तो कोर्ट में चला गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दरिंदगी और हैवानियत का सबसे बड़ा मामला है मेरे ख्याल से आजादी के बाद, और उसके समर्थन में भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और पूरी की पूरी इनकी सरकार खड़ी है, और उसको बीजेपी वालों ने, बीजेपी की सरकार ने भगाया है। वो मौजूदा सांसद है, बगैर क्लियरेंस के वो निकल नहीं सकता भारत से। तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, बीजेपी की सरकार में देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और इनके नेताओं ने जो महिलाओं के साथ दरिंदगी और हैवानियत की है, हमेशा बीजेपी उनके पक्ष में खड़ी रही है, वो चाहे हाथरस हो ना हो, पहलवान बेटियां हो या मणिपुर हो।